लापरवाही है जल संसाधन विभाग की। भुंजा पार्टी में शामिल रहते हैं मंत्री, सूद नहीं लिए, तैयारियां नहीं की। अशोक चौधरी जी ने भी इस बात को स्वीकारा कि यह नेग्लिजेंसी है, लापरवाही है। थोड़ा सा भुंजा पार्टी से हट करके अगर बाढ़ प्रबंधन पर तैयारी कर लिए गए होते तो आज की स्थिति ये होती कि त्रासदी नहीं होती जो आज देख रहे हैं। त्रासदी आज बूढ़ा बच्चा हर कोई तबाही का आलम झेल रहा है, दाने दाने के लिए मुहताज है, परेशान है लोग। इसकी जिम्मेदारी तो शासन को होनी चाहिए। प्रतिपक्ष तो अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए लगातार सचेत किया, 1,44,000 क्यूसेक वाटर में तबाही का, 8 लाख क्यूसेक वाटर बांधों को सहन करने की क्षमता थी, प्रवाह करने के पानी को, कैसे टूटा 7 जगह। ये त्रासदी क्यों आई, रिजाइन करना चाहिए सत्ता में बैठे लोगों को। अरे यार, सारा भ्रष्टाचार होगा तो नेता प्रतिपक्ष को खोज रहे। नेता प्रतिपक्ष का एक एक व्यक्ति नेता प्रतिपक्ष के पद चिन्हों पर चलकर सेवा कर रहा है जी। उन्हीं ने तो, उन्होंने ही तो, तेजस्वी जी ने तो कहा, बिहार वासियों को कहा, कार्यकर्ताओं का, विधायकों को कहा, सबको कहा कि बाढ़ पीड़ितों के साथ अपना सहयोग दे, सब सहयोग दे रहा है। ये प्रतिपक्ष को खोज रहे हैं, जो बाहर जाता है उनको नहीं खोजते हैं। भाजपा के मंत्री बिलशर्रा उड़ारा नहीं खोज रहे हैं। मुंगेर में राजद के नेता को खोज, बिहार में अपराधी का बहार है नीतीश कुमार। कोई व्यक्ति सुरक्षित नहीं है, सत्ता प्रतिष्ठान से जुड़ा हुआ हो या प्रतिपक्ष से जुड़ा हुआ हो, चुन चुन को निशाना बना रही है अपराधी। एक बात कान खोल करके सुन लीजिए, बिहार के शासक अचेत है, अचेतता का दंश बिहार भुगत रहा है। चारों तरफ अपराधी तांडव हो कर रहे हैं, गोलियों के निशाने पर आम इंसान आ रहे हैं, तंत्रों ने घुटना टेक दिया अपराधियों के सामने। यहाँ कानून का राज कहाँ?